हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। एट्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ टू ट्रायंगल्स सच दैट दे हैव फाइव पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बट स्टिल द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि हमें दो ट्रायंगल्स यहां पर बनाने के लिए कहा गया है जिनमें फाइव पेयर्स ऑफ पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, यानी दोनों ट्रायंगल्स के पांच पार्ट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट यानी के एक समान होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बट स्टिल द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने दो ट्रायंगल्स यहाँ पर आपको बनाकर दिखाए हैं। एक ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल पीक्यूआर, और इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने पांच पार्ट्स को कॉन्ग्रुएंट भी शो किया है। देखिए, एंगल ए 30 डिग्री है और यहाँ पर एंगल आर 30 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल सेम है तो ये कॉन्ग्रुएंट हुए। ऐसे यहाँ पर देखिए एंगल बी, ये 90 डिग्री का सिंबल है यानी एंगल बी 90 डिग्री है। यहाँ देखिए पी पॉइंट पे, यहाँ पर एंगल पी 90 डिग्री के सिंबल के साथ दिखाया गया है तो एंगल पी भी 90 डिग्री हुआ, तो एंगल बी और एंगल पी भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए। इसके बाद देखिए एंगल सी 60 डिग्री है, यहाँ एंगल क्यू 60 डिग्री है, ये भी सेम है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स ए बी साइड और यहाँ पर देखिए क्यू आर साइड, दोनों में सिंगल लाइन यानी कि सेम सिंबल बताया गया है तो ए बी साइड किसके इक्वल है, क्यू आर साइड के। और बी सी साइड और पी क्यू साइड को देखिए, दोनों में यहाँ पर सेम सिंबल है, ये डबल लाइन दिखाई गई है दोनों में, यानी बी सी साइड और पी क्यू साइड आपस में इक्वल है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि पांच पार्ट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और ऐसा इसलिए है स्टूडेंट्स कि अगर हमें दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पर हमें ट्रायंगल एबीसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल पीक्यूआर के, लेकिन एंगल ए के कोरस्पोंडिंग कौन सा एंगल है, एंगल पी, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। एंगल बी के कोरस्पोंडिंग कौन है, एंगल क्यू, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल नहीं है। एंगल सी के कोरस्पोंडिंग कौन सा एंगल होना चाहिए, एंगल आर, ये भी आपस में इक्वल नहीं है। ए बी साइड के कोरस्पोंडिंग कौन सी साइड होनी चाहिए, पी क्यू, ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल नहीं है। बी सी साइड के कोरस्पोंडिंग कौन होनी चाहिए, क्यू आर, ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल नहीं है। तो भले ही इन दोनों ट्रायंगल्स में पांच पार्ट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है यानी कि सेम है, लेकिन क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स में कोरस्पोंडिंग पार्ट्स आपस में इक्वल नहीं है तो इसलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। यानी कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।